डिंपल हुआ है, वो सब काम अच्छे ही करते हैं। ये मोदी का जे देखो दुनिया गैया डलवा दे, पब्लिक मरी जाते। पहली बात तो हम रघुराज सिंह को जानते नहीं जी, ठीक। और दूसरी बात वोट खुले तब मालूम पड़े। अब तो मान ली गढ़ तो लोगों को ज्यादा आवे यहाँ पे क्षेत्र में है किया है, वो सपा सरकार ने किया है। भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है कि यहाँ के देखिए जी गढ़ है वो ध्वस्त कर देंगे आप। हाँ बिल्कुल, हम भी तो जय का थे, हम ध्वस्त कर देंगे। हम तो वोट बिने दाएंगे मुलायम सिंह को जी। पहले नंबर बिना की राय है अगले सगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में खाली हुई सीट पर लोकसभा का उपचुनाव जनपद भेलपुरी में होना है, इसी की हम पड़ताल करने के लिए यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में निकले हैं और देखेंगे लोगों के मन टटोलेंगे, लोगों के अंदर क्या चल रहा है, क्या लगातार 1996 से लेकर समाजवादियों का जनपद मैनपुरी में कब्जा रहा है और उसके बावजूद ये गढ़ भी माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर गढ़ की बात करें तो फिरोजाबाद, कन्नौज, रामपुर, आजमगढ़, ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने सेंध लगाकर इन गढ़ों को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या समाजवादी लोग अपने इस गढ़ को इस बार बचाने में कामयाबी होंगे या नहीं, क्योंकि लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर नेता पर नेता पूरी कोशिशें कर रहे हैं इस गढ़ को ध्वस्त करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है समाजवादी परिवार अब एक हो चुका है। वहीं सांसद सुब्रत पाठक ने अपनी जुबानी हमला बोला था समाजवादियों पर और ये कहा था कि अब ये समाजवादी पार्टी से परिवारवाद पार्टी बन चुकी है, परिवारवाद पार्टी के बाद अब ये वंशवाद पार्टी हो चुकी है, क्योंकि कई अन्य समाजवादी के कार्यकर्ता थे उनको टिकट देना चाहिए था लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने अपने ही घर में डिंपल यादव को टिकट दिया। अब देखने वाली बात होगी, खैर ये तो सियासी सरगर्मियां हैं, तेज होती रहती हैं, एक दूसरे पर जुबानी हमला चलते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 5 दिसंबर को चुनाव होगा और 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। अब ये देखना होगा कि मैनपुरी से बाजी कौन मान रहा है। हमारे साथ जनपद मैनपुरी से लगभग हम 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे करने के लिए निकले हैं, क्या लोगों के अंदर चल रहा है, तो हम इन लोगों से बात करेंगे और ये देखेंगे क्या 8 दिसंबर को किसके परिणाम आएंगे और कौन मैनपुरी से बाजी मार कर ले जाएगा। इस समय विधानसभा किसनी के क्षेत्र बिगरुआ गांव में मौजूद हैं, जहां पर एससी वोट लगभग 200 से 250 है। हम यहां से लोगों से बात करेंगे आखिर यहां से कौन निकल रहा है। माता जी, भाजपा से रघुराज साह और सपा से डिंपल यादव आमने सामने है, क्या लगता है किसका पल्ला भारी है आपको? डिंपल हुआ है। क्यों डिंपल का पल्ला भारी है, ऐसा उन्होंने क्या काम किया? वो सब काम अच्छे ही करते हैं। ये मोदी का जे देखो दुनिया गैया डलवा दे, पब्लिक मरी जाते। सही है। तो आपका जो एक मुद्दा है वो गाय को लेकर मुद्दा है, तो डिंपल यादव अगर यहाँ से जीत जाएंगे तो क्या गाय का मुद्दा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हमारे साथ और एक माता जी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। माता जी, भाजपा से रघुराज साह और सपा से डिंपल यादव आमने सामने है, क्या आपको लगता है किसका पल्ला भारी होगा? इनको ये डिंपल, डिंपल का होगा। हाँ। क्यों डिंपल का होगा, क्या कारण है? यही कारण है कि कौन सा कारण है? हाँ, सब सम्मान करे, देखे सुना है, किसानन की मदद करे। हाँ। और का हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। एक चाचा मौजूद हैं। चाचा जी, क्या नाम हुआ आप? सामोता। किस समाज से हैं आप? हम सपा समाज से हैं। नहीं नहीं, जाति जाति की जाति, हम जाटव हैं। अच्छा, जाटव हैं आप। हाँ। क्या चाचा लगता है भाजपा से रघुराज साह और सपा से डिंपल यादव आमने? देखो पहली बात तो हम रघुराज सिंह को जानते नहीं जी, ठीक जी। और दूसरी बात यह है कि जी इनकी सरकार बीच में चली आ रही है, अड़बड़ हुई ही, चलो कोई बात नहीं कि काला हो मोदी जी, मोदी जी की सरकार चल रही है, वामे हमारा खेत काफी चुंग चुका है और खेती में लोग मारते हैं जैसे, तो भी हमारे में कर दे तो हम उनके में कर दे, तो हम पूरे पूरे दिन तंग रात रखवाली। अच्छा, दूसरी बात जाए कि जो सरकार जानी मानी है जी। अच्छा, अब सरकार हारी ही, चलो कोई बात नहीं, हमारी हती अखिलेश हते हारी है, मोदी की जीत हुई
तो बामे कोई विरोध नहीं है कि आएगी सरकार उन्हीं के पक्ष में रहेंगे, लेकिन अब बात ये है कि अब हम डिंपल यादव आ रही हैं तो उनके पक्ष में रहेंगे। लेकिन चाचा कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है जो सपा के गढ़ थे जैसे कन्नौज हो गया, फिरोजाबाद हो गया, रामपुर हो गया, ये इस इन गढ़ों में बीजेपी ने सेंध लगा दी, सेंध लगाकर ध्वस्त कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक आशंका दिख रही है कि मैनपुरी में भी वो बीजेपी सेंध लगा सकती है। अब भाई हम तो वो बिल्कुल सही है बात आपकी, लेकिन हम उनको जानते पहचानते नहीं, आप बताने आए हैं आज मंजूर है। चलिए हमारे साथ एक भैया और मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरे भूरे। कौन से समाज से हैं? यादव। यादव, अच्छा आप रघुराज साग के हैं और डिंपल यादव हैं, किन की टक्कर है, किसकी विजय होगी? डिंपल की। क्यों डिंपल की विजय होगी, क्या कारण है? डिंपल सब काम नहीं के किसान के लिए कर तक डिंपल अकेले तो करूँ और मोदी ने किसान के लिए कहा कर दो, ये गैया डरा भाई जी सब खेत खाती। लेकिन सपा के गढ़ में भाजपा ही सेंध लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, सपा सीट लगा रहा है किसी, मैंने पूरी सीट नहीं भाजपा लाए थे जलिए डिंपल ही। कहीं ना कहीं ये देखने को मिला था, कन्नौज एक बहुत बड़ा गढ़ था, फिरोजाबाद गढ़ था, रामपुर गढ़ था, इसमें बीजेपी ने सेंध लगाकर इन गढ़ों को ध्वस्त कर दिया है, अब आशंका एक दिख रही है मैनपुरी में भी सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। हाँ तो सवारा की लाई ली वही सीट नहीं लाए थे, ये तो सफाई की रही है। चलिए हमारे साथ ये तमाम लोग मौजूद थे यहाँ पे, लगभग एससी वोट जो है 200 से 250 है, और इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि गढ़ में कहीं भी सेंध लगाई हो लेकिन मैनपुरी का जो गढ़ है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह के साथ रंजीत सिंह, न्यूज़ 9 TV कन्नौज। अच्छा और मौजूद है चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम है राजू सिंह कठेरिया। राजू सिंह, राजू सिंह भाजपा से रघुराज साग के और सपा से डिंपल यादव हैं जी, किसका पल्ला भारी दिख रहा है आपको? इसमें डिंपल यादव का पल्ला भारी है क्योंकि वर्षों से सरकार सपा की चली आई हुई है और जितना विकास किया है वो सपा सरकार ने किया है, भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है कि यहाँ के देखिए जो गली खरंजा क्या दशा है इनकी, और बरसात के मौसम में सारी समस्याएं ही समस्या है, पूरे नगरा में एक नल है और पूरे नगरे के अंदर जल का कोई विकास नहीं है। तो आप विकास के मुद्दे को लेकर आप सपा का समर्थन करें? बिल्कुल श्रीमान जी। जी तो अब 5 साल मतलब पूरे हो चुके हैं भाजपा के, 0.2 की सरकार चल रही है, क्या आपको उम्मीद है विकास होगा दोबारा? जी भाजपा की सरकार दोबारा बन चुकी है, कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं सर, यदि उम्मीद होती तो यहाँ विकास होता, कुछ तो होता, ये देखिए यहाँ के लोग किस स्तर से जी रहे हैं, यहाँ कोई विकास नहीं, रास्ते का विकास नहीं, पानी का विकास नहीं है, ये लोग पानी कहाँ से पियेंगे, नहर में से भरने थोड़े ही जाएंगे, यदि इतना ही सरकार को होता तो यहाँ आके एक बार तो कोई देखता कि यहाँ विकास क्या हो रहा है। जब चुनाव होता है तब आते हैं, जो 5 बाल बच्चे हैं उसके और अभी भी बाकी उम्र 40-42 साल की हो चुकी है और वो अभी भी तमगा ताने है, मड़ैया में रह रहा है, कोई विकास नहीं, आवास नहीं मिला, आवास नहीं मिला, नहीं मिला। सरकार तो दावे कर रही, भाजपा सरकार तमाम वो कर रही, भी जाने क्या कर रही है, भाजपा सरकार दावे कर रही है तमाम आवास दिए गए गरीबों को, गरीबों को दिए गए, जे कहे थे बिछुड़ गया, फिर इसकी उम्र 40 साल हुई, अब का रजिस्टर होने वाला है, 50 साल के बाद फिर का रह जाता है, इसके अंदर बच्चे जवान हुई है, ये शादी संबंध कैसे होगा उसका? इस समय हम जनपद मैनपुरी के क्षेत्र बहादुरपुर बेरपुर गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ वोटर मेरे साथ मौजूद हैं, हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम हुआ आपका? नेम सिंह। किस समाज से हैं आप? राजपूत जी। आपको पता है भाजपा से रघुराज सिंह साग के और सपा से डिंपल यादव, इन दोनों की टक्कर है, क्या लगता है किसका पल्ला भारी है? पल्ला तो शिवराज सिंह साग का ही है पूरा पूरा, आपकी बार तो जी मेरे गांव से तो 70% नहीं पूरे 100% पड़े हो सके वोट जी। तो आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? मुद्दे का देख लो, ये कार्य हमारे गांव का, ये मुनेश चौहान करा रहे जी, ये बिजली और ये सब उन्हीं के दिन है जी, स्कूल है गांव में और सड़कें हैं, कुल मिला के सभी काम उन्हीं के। क्या लगता है आपके जो ये सपा का गढ़ था उसमें सेंध लगाएगी भाजपा? जरूर लगाएगी, 50% पहले मेरा गाँव भी उसी में था सपा में ही, लेकिन वो मानते नहीं, तो मेरा गांव भी इस बार तो 100% हो गया उसी में। चलिए हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, चाचा क्या नाम हुआ आपका? रामदेव। कौन सी कास्ट से हैं आप? राजपूत। अच्छा, भाजपा से रघुराज साग के और सपा से डिंपल यादव हैं, विजय होने विजय नहीं है साग की,
रघुराज शाह की विजय होगी। क्यों विजय होगी, आखिर क्या कारण है? अरे काजी काम ही सब बढ़िया हो रहे हैं हमारे तो। अच्छा, आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? हमारा तो जाय विजय है। चलिए हमारे साथ एक चाचा और मौजूद है, अपना शायद पंखा सही करवाने के लिए जा रहे हैं कहीं। थोड़ा चाचा पंखा नीचे रख दीजिए। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा रामदास नाम है। नीचे रख दीजिए सर। किस रघुराज साग के भाजपा से और सपा से डिंपल यादव, क्या आपको लगता है कौन विजय होगा? साग की विजय हो यही, वो तो दुनिया जानते हो। देखो बिजली सब कार्यक्रम होने के स्कूल देन होने की है, बहुत पुरानी देन वाजपेयी की है। पोलिंग भाजपा वाले ने बनवाई मेरे गांव में, तो हम अंतर जाएगा आएगा ये क्या मतलब है? जो कटवे मरवे होए हम लोग डराने वाले थोड़ा होंगे कल। दादा 1996 से लगातार सपा का कब्जा रहा है, कैसे आप संभव कर सकते हैं? हम लोग पूरी जिंदगी हो गई, सारी जिंदगी हो गई भाजपा में रही, सारी जिंदगी हो गई। हाँ सब ही तब रही तो हम लोग कटे कबहू ना है। आपकी मैनपुरी में आप लोग सेंध लगा देंगे इसके मतलब? हाँ चिन्ह लगा देंगे, सेंध लगा देंगे। हाँ। जो गढ़ है वो ध्वस्त कर देंगे आप? हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो यही कहा था, ध्वस्त कर देंगे सभा को। चलिए देखिए यहाँ पर जो अब तो साफ तौर से पता ही चल चुका है आपका यहाँ के भाजपा के सपोर्टर है और किस तरीके की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पुराना जो इतिहास रहा है सब तब रही। तो हम लोग कटे कबहू ना है। आपकी मैनपुरी में आप लोग सेंध लगा देंगे इसके मतलब? हाँ चिन्ह लगा देंगे, सेंध लगा देंगे। जो गढ़ है वो ध्वस्त कर देंगे आप? हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो यही कहा था, ध्वस्त कर देंगे सभा को। चलिए देखिए यहाँ पर जो अब तो साफ तौर से पता ही चल चुका है आपका यहाँ के भाजपा के सपोर्टर है और किस तरीके की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पुराना जो इतिहास रहा है, जो गढ़ रहा है समाजवादियों का, उसे तोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक चाचा दादा और मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा रमाकांत राजपूत। अच्छा, क्या है, कौन है इस समय मैदान में? रघुराज सिंह का भारी होगा। रघुराज सिंह साग के। अच्छा, क्यों पल्ला इनका भारी होगा? जो कुछ भी हमारे गांव में देन है वो सब बीजेपी की है, यानी कि 1996 से जब तक जो सपा रही है उसमें हमारे गांव में कोई कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ जो स्कूल भी हमारे यहां पे बीजेपी, सड़क भी बीजेपी, यानी बिजली भी बीजेपी, जितना भी काम है सब बीजेपी का ही है। अब पोलिंग भी हमारे गांव में बीजेपी ने करवाई है, सारे काम बीजेपी के ही है, इसलिए बीजेपी का। सपा ने मेरे गाँव में कोई काम नहीं करा, जो भी PWD की जो भी हमारे गाँव की सड़क भी थी वो भी कटवा दी, लेकिन जब बीजेपी सरकार तभी रिपेयरिंग हुई है, इसलिए बीजेपी का ही वोट देंगे। तो आप सेंध लगाएंगे इस समय? हाँ अगली बार जरूर सेंध लगेगी। चलिए यहाँ पर और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा थोड़ा इधर आ जाइए कैमरे के सामने। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामनाथ। अच्छा, कौन सी कास्ट है आप? राजपूत। किधर वोट जाएगा आपका? हमारा वोट जाएंगे कमल फूल में। अच्छा, क्यों जाएगा, क्या कारण है? ये कारण है कि मतलब हमें आराम है, चोरी चपोरी तो हर एक चीज है, और मतलब छरिया बकरियां छूटी जाती थी, सोना छुटती, लेकिन गाय तो छुट्टी घूम रही है। गाय छुट्टी घूम रही है, तो बाबा जी की थोड़े घूम रही है, तो हमारी लोग घूम रही सबकी है जिंदगी। तो बाबा जी बंदोबस्त करें कुछ गाय का? गाय बाबा जी तो खूब करते हैं, लेकिन बाबा जी और क्या करें, मतलब वे तो खाई ही सब रहे, किसान नहीं को तो खाती तो खाई। और बाबा जी ने वे खुलवाए गए। तो चलिए देख सकते हैं आप, जो यहाँ के जो लोग हैं, समर्थक हैं कहीं ना कहीं ये भाजपा के, ये बहुत पुराने इतिहास को तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार नेताजी का यहाँ पर गढ़ रहा है और वो पूरे जनपद मैनपुरी को अपना पैतृक गांव समझते थे और 1996 से लगातार समाजवादियों का यहाँ पर कब्जा रहा है, लेकिन अब यहाँ के जो लोग हैं वो इस गढ़ को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस समय हम मैनपुरी जनपद से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर चुनाई का काम चल रहा है, यहाँ पर कुछ दिहाड़ी मजदूर हैं, राजमिस्त्री हैं, और जिसका काम चल रहा है वो मालिक है। हमारे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है आपका? वेख सिंह। कौन सी कास्ट से हैं आप? साक। अच्छा चाचा, आपको मालूम होगा आपके यहाँ उपचुनाव हो रहा है। हाँ। तो भाजपा से रघुराज साग के और सपा से डिंपल यादव, कौन बाजी मारेगा?
अब जी अबे कैसे पता लग गया गोल भाई। अब वैसे यहाँ तो हमेशा वो भाई मुलायम सिंह की सीट रही है जी। मुलायम सिंह की सीट तो रही है, गढ़ भी रहा ये तो माना जाता है, लेकिन भाजपा ही गढ़ में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। कैसे आप मानते हैं ये गढ़ जो है सपा का बरकरार रहेगा इस बार या नहीं? रहेगा रहेगा कि नहीं? हमारे साथ एक माता जी और मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। माता जी क्या नाम हुआ आपका? शरण देवी। किस कास्ट से हैं आप? साक। अच्छा माता जी, भाजपा से रघुराज साक के और सपा से डिंपल यादव हैं आमने सामने, क्या आपको लगता है कौन बाजी मारेगा? हम तो वोट बिना दाएंगे मुलायम सिंह को जी। पहले नंबर बिना की रही है अखिलेश की, अब रघुराज जी की भैया कहना सका था जीत सका। तो आप आखिर डिंपल को ही वोट क्यों देंगे, क्या कारण है? तो हम बिना में ही रहे ज्यादातर। चलिए हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, एक भैया जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह। किस समाज से हैं आप? मैं ओबीसी वर्ग में यादव वर्ग से हूँ जी। तो क्या लगता है सपा से डिंपल यादव, भाजपा से रघुराज साह के आगे किसकी विजय होना चाहिए? आप ये मान लीजिए ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पैतृक भूमि है जी, और पैतृक भूमि के आधार पर अगर आप देखा जाए तो माननीय मुलायम सिंह नेता रहे हैं, राष्ट्रीय नेता रहे हैं जी। तो यहाँ पर डिंपल भाभी के अलावा कोई नहीं जीत सकता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो माननीय रघुराज साक जी हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे, आज उनको वहाँ से किसी कारणवश पद की वजह से भाजपा में इसमें शामिल हो गए हैं, तो वो अपने निजी कारण से शामिल हुए हैं, उसमें उनके बरादरी साक्य समाज से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ अपना जीतने के लिए इस समाज में आए हैं और क्या लगता है आप में इसमें शामिल हो गए हैं, तो वो अपने निजी कारण से शामिल हुए हैं, उसमें उनके बरादरी साक्य समाज से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ अपना जीतने के लिए इस समाज में आए हैं। और क्या लगता है आपको डिंपल कितने वोटों से विजय होंगी अगर यहाँ से तो? आप ये मान लीजिए ये रिकॉर्ड कायम होगा, आज से पहले इतनी बड़ी बहुमत से कोई नहीं जीता जितनी बहुमत से इस बार डिंपल भाभी जीतेंगे, क्योंकि इसमें मेन रोल माननीय सुखपाल सिंह यादव जी का रहेगा। जब से माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक्सपायर हुए हैं, पैतृक भगवान माने जाने वाले नेता, उनका पूरा जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव को राम माना जाता था वैसे ही सुखपाल सिंह यादव लक्ष्मण है। शिवपाल सिंह के जिम्मेदारी जो दी गई है शिवपाल सिंह की वजह से डिंपल भाभी को यहाँ से पूर्ण बहुमत विश्व रिकॉर्ड माना जाएगा, इस बार इतनी बहुमत से जीतेंगे सिर्फ माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है सपा का जो गढ़ था कन्नौज था आजमगढ़ था रामपुर था, बीजेपी ने इसमें सेंध लगाकर ध्वस्त कर दिया है, अब क्या मैनपुरी की बारी है? मैनपुरी में सुना जा रहा है इस समय भाजपा के पूरे देश से नेता एकत्रित हो रहे हैं, पर ये पैतृक जमीन है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ केवल सपा ही बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। अखिलेश ये कह रहे हैं कि अगर ये जो लोकसभा का चुनाव है इसमें डिंपल को जीत लोग करवाते हैं तभी सच्ची श्रद्धांजलि हम मानेंगे मैनपुरी वालों, ये आप क्लियर मान लीजिए। माननीय मुलायम सिंह की सदी बिल्कुल अच्छी श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब उनकी बहू डिंपल यादव यहाँ से पूर्ण बहुमत जीतेंगे। आज से पहले कभी भी कोई भी वर्ग का आदमी ये कह दे भाजपा ने मैनपुरी के अंदर कोई भी काम कराया, एक सड़क से लेके एक नाली तक बनवाई है, जो भी काम हुआ है सिर्फ सपा का और माननीय मुलायम सिंह यादव जी सांसद निधि से काम हुआ है। क्या लगता है डिंपल यादव ही क्यों चुनी गई, इनको ही टिकट क्यों दिया गया, अन्य किसी को क्यों नहीं? क्योंकि ये माननीय मुलायम सिंह यादव की बहू है, बहू के रूप में उनको टिकट दिया गया, उनकी पैतृक जगह को उनका ही पैतृक आदमी संभाल सकता है और कोई नहीं संभाल सकता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को सिर्फ डिंपल भाभी ही संभाल सकती हैं और किसी को नहीं जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि ये माननीय मुलायम सिंह जी की पैतृक जगह है। तो हमारे साथ एक भैया जी मौजूद हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वोटों से डिंपल जीतेंगी, क्योंकि जो मुलायम सिंह यादव थे उनकी यहाँ पे पैतृक जगह है। कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह के साथ रंजीत सिंह, मैनपुरी।